नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए ये जो पंडा 49 इंच और 39 इंच 38.5 ऐसा ही पैनल है और इसमें इसका पैनल नंबर आप अच्छा से देख लीजिए। देखिए PANDA 385L और यहाँ पर LC390T A2A। इस पैनल में आप मेरा जो फॉल्ट था, फॉल्टी वीडियो हमारा मिसिंग हो गया, मैं आपको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, प्रैक्टिकली देखाऊँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। इसका हाई ब्राइट पिक्चर था और एवरीडी वोल्टेज प्रेजेंट था, VGL वोल्टेज प्रेजेंट नहीं था। VGH वोल्टेज 8 वोल्ट 9 वोल्ट था। इसी कंडीशन में मैं ये जो हमारा TCDC IC यूज़ किया है 5562 AIC मैं चेंज किया है 5562, ठीक है। वो न्यू IC यहाँ पर करेक्ट सोल्डरिंग किया है। सोल्डरिंग करने का बाद हमारा सेट रेडी हो गया। इसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या है, आपका जो इस पैनल में गेट कॉफ लगा हुआ है देखिए, लेकिन इसमें मार्किंग कोड नहीं है। वो आप कैसे पहचानेंगे हमारा कौन सा सिग्नल STB है, कौन सा सिग्नल CPB है, कौन सा सिग्नल OE है और VGL वोल्ट तब पता कर लेंगे। लेकिन सिग्नल को चेंज करने के लिए आपको, सॉरी, सिग्नल को मेजरमेंट करने के लिए आपको डिस्टरबेंस होगा, इसलिए मैं आपको अच्छा तरीका से दिखाऊंगा। अब देखिए ये पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए ये जो सिग्नल है, देखो ये हमारा STV ट्रैक है, STV, और ये हमारा CPV ट्रैक है, ठीक है, और ये हमारा OE ट्रैक है, OE, ठीक है। ये पूरा ट्रैक हमारा गेट कॉम में इधर जाएंगे और इधर कहाँ पर है अब देखो, इधर है आपका, देखिए ये हमारा STV वेवफॉर्म है, STV वेवफॉर्म है, और ये हमारा CPV वेवफॉर्म है, और ये हमारा OE वेवफॉर्म है, ठीक है। और मैं ऑसिलोस्कोप से देख रहा हूँ दोस्तों, और ये भी हमारा STV वेवफॉर्म है। तो और इसमें VGL वोल्टेज जाएंगे। आप सब सोचेंगे सर इतना सारी ट्रैक, ये जो 14 पिन का IC लगा हुआ है ना, ये 14 पिन का IC का जो फीकॉम वोल्टेज है वो यहाँ से इनपुट होगा। ये आप रिमूव कर दीजिए, सेट चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन होता है क्या, इसी जो फीकॉम वोल्टेज होगा, इसका जो सप्लाई जाएगा अंदर में, इसी साइड में जाएगा और दूसरा साइड में भी है। देखो दूसरा साइड में भी एक IC लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रेफरेंस वोल्टेज का आने का वजह से वहां से आउटपुट होगा, कॉफ से एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होगा, उसके बाद वोल्टेज आउटपुट होगा। तो इसका जो गामा सेक्शन है, देखिए गामा सेक्शन में देख लीजिए, लास्ट में DC सेक्शन का बारे देखाऊंगा। गामा में देखिए, गामा में वोल्टेज काउंटिंग करेंगे कैसे, इधर देखिए गामा वोल्टेज चेक करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। गामा जो वोल्टेज है ना, अब देखिए इधर से काउंट होगा, अब देखिए, देखिए A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। गामा वोल्टेज आप देख लिया कैसे मेजरमेंट करेंगे। इसमें क्या देखिए, यहाँ पर LED वोल्टेज डायरेक्ट इनपुट हो जाएगा, ये तो हमारा VCOM वोल्टेज है, LED वोल्टेज यहाँ पर होगा, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर LED वोल्टेज यहाँ पर इनपुट हो जाएगा और 3.3 वोल्ट भी यहाँ पर इनपुट होगा
ये प्रोग्रामेबल गामा है, यह से पूरा गामा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रामा सारी कॉब में जाएंगे, ठीक है, एक गामा सेक्शन के बारे में। और डीसी सेक्शन में आप देखिए इसका जो वर्किंग है, थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये हमारा एवीडीडी डायोड है, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो मॉस्फेट यूज़ किया है वो ड्राइविंग के लिए, जीडी के लिए, ये इसका सोर्स में इनपुट होगा और ड्रेन से आउटपुट होगा। और यहाँ पर हमारा वीजीएल वोल्टेज है, ये तो मार्किंग कोड दिया है, और यहाँ पर देखिए ये वीजीएच वोल्टेज है, सॉरी वीजीएच वोल्टेज होगा, तो ये हमारा 3.3 वोल्टेज होगा, इधर नहीं इधर होगा 3.3 वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा 3.3 वोल्टेज होगा, और वीजीएच वोल्टेज यहाँ पर भी मार्किंग कोड है वो आप देख सकते हैं। तो ये डीसी टू डीसी आईसी मैं चेंज किया है, उसका बाद हमारा सेट रेडी हुआ। देखिए ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी है ना, उसको मैं चेंज किया है, चेंज करने के बाद सेट रेडी हुआ। तो उसका बाद आप देखिए यहाँ पर भी एक सर्किट यूज़ किया है प्रोसेसर में, इधर देखो, इधर में देखो ये जो एक रेगुलेटर लगा हुआ है ना, यहाँ पर 3.3 वोल्ट इनपुट होगा और यहाँ से 1.8 वोल्ट आउटपुट होगा, ये हम इसका सप्लाई है, ठीक है। तो इसका फंक्शन ऐसा ही है, और क्या ये जो आईसी 14 पिन का आईसी है, ये लेफ्ट में रहेंगे और ये राइट में रहेंगे, ठीक है। इसमें गेट कॉफ लगा हुआ है, जो यहाँ पर दो लेफ्ट और राइट स्केलर को कनेक्ट किया है, तो इसके तो टैपिंग करने का जरूरत नहीं है, ये तो हमारा गेट कॉफ वाला पैनल है, ठीक है। जस्ट ये पूरा कॉफ, दोनों कॉफ का जो सिग्नल है वही यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा सितंबर मंथ का 5 तारीख से हमारे ऑफिस में स्टार्ट होगा, और मुंबई में जो प्रोग्राम होगा मुंबई का जो नंबर है स्क्रीन में उसमें कॉन्टैक्ट करिए, और बांग्लादेश में जो प्रोग्राम होगा बांग्लादेश का नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए दोस्तों लास्ट में वो जो पांडा 14 इंच का जो टीवी डिस्प्ले आप देख रहा था पूरा सेट रेडी हो गया, पिक्चर बहुत बढ़िया आ गया, पहले जैसे पिक्चर था वही आ गया। तो दोस्तों आपका वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।